हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने और एक वीडियो, निटिंग वीडियो लेके आई हूँ। वो है सुई से फंदे बंद करना। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, जैसे मैंने डबल निटिंग किया था। डबल निटिंग के बाद डबल कलर से, जैसे हम डबल निटिंग करते हैं, उसके बाद किस तरह से सुई से बंद करना है, या इसको ग्राफ्टिंग या ट्यूबुलर बाइंड ऑफ या किचनर बाइंड ऑफ या इनविजिबल बाइंड ऑफ भी कह सकता है। यहाँ से ट्यूबुलर कास्ट ऑन किया था, फंदे डाले थे और यहाँ से हमने बंद किया था। तो आप देख सकते हो कितना फाइन फिनिशिंग के साथ ये क्लोज होता है। तो इसी तरह से ये इस मेथड में मैंने जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है उसमें दोनों स्टिचेस को सेपरेट करके, मतलब दो नीडल में हम स्टिचेस को डिवाइड करके बाद में हम किचनर स्टिच करते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उस वीडियो का अपलोड कर दिया है मैंने। तो आज हम देखेंगे, अगर आपको विदाउट इसको डिवाइड किए बिना, ये भी डबल नीटिंग है, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसान तरीके से किस तरह से आप बना सकते हो एंड ट्यूबुलर कास्ट ऑन के साथ किस तरह से आप डबल निटिंग कर सकते हो। दोनों मेथड, इजी एंड डिफ़िकल्ट मेथड, दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये इसके बाद हम ये सेकेंड मेथड में किस तरह से हम किचनर स्टिच का बाइंड ऑफ या इनविजिबल बाइंड ऑफ कर सकते हैं सिंगल नीडल के साथ। तो वो भी, इसके लिए हमें एक वाइड माउथ वाला एक नीडल चाहिए होगा। एंड चलिए स्टार्ट कर दें, किस तरह से बंद करेंगे सुई से। तो अगर आपके पास इस तरह से प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद, चाहे आप बॉर्डर के लिए हो या स्कार्फ, शॉल, किसी पे भी, आप ये होने के बाद अगर फाइन फिनिशिंग के साथ फंदे बंद करना है तो ये फॉलो कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, जस्ट आपको 4 स्टेप्स करने होंगे। तो उसके पहले आपको बेस आपको रेडी करना है। जब आप डबल निटिंग करते हो तो इस तरह से आपको ओपन फ्लैप मिलेगा, तो आपको यहाँ से एक बार क्लोज कर देना है इसको। तो स्पेशली ये जब आप डबल निटिंग करते हो डबल कलर से, तो सिंगल कलर से कैसे करना है मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप डबल कलर से कैसे करना है मैं आपको वो दिखाती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वाइट कलर, सारे हमें सीधी बुनाई है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों तरफ ये सीधी बुनाई ही दिखती है आपको। तो जब आप स्टिचेस देखते हो तो ये फर्स्ट सारे स्टिचेस हमें सीधी बुनाई है जो वाइट कलर के हैं, एंड जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर या ब्लैक कलर से, तो ये सारे उल्टे बुनाई के स्टिचेस हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, बाइंड ऑफ करने से पहले, ये ज़रूरी स्टेप है, फर्स्ट जो नीट स्टेप है इसको हम उतार लेंगे, और जो ओनली पर्ल स्टिचेस हैं उल्टी बुनाई है उनको ही हम बुनेंगे। तो ये स्लिप किया, ये बुनाई किस तरह से डालना है आप देख लीजिएगा। फिर धागा आगे लेंगे और इसको बुन लेंगे, फिर नीट स्टिच को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे लेके नीट स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर धागा हमारी तरफ लेके पर्ल स्टिच को बुन लेंगे, फिर धागा पीछे लेंगे और नीट स्टिच को इस तरह से लिया, फिर धागा आगे करके पर्ल स्टिच को बुन लेंगे, सॉरी इसको उतार लेंगे, फिर धागा आगे लेके ओनली उल्टी बुनाई को ही हमें बुनना है, जो सीधी बुनाई है उसको उतार लेना है पर्ल वाइज। धागा पीछे लिया, इसको इस तरह से उतार लिया, फिर ये उल्टी बुनाई, फिर इसको उल्टा बुना, फिर धागा पीछे लिया और इसको उतार लिया, और ये उल्टी बुनाई की और ये उतार लिया, फिर धागा आगे ली, उल्टी बुनाई की, इस तरह से ये सारे हम थोड़ा सा मैं फास्ट कर रही हूँ ये स्टेप। तो ये हमने उल्टी बुनाई कंप्लीट कर ली है, और लास्ट जो स्टिच है ये उल्टी बुनाई की है। तो ये यहाँ पे आ गया है सारा ब्लू ब्लैक वाला। अब हम क्या करेंगे,
ये स्पेशली जब आप इस तरह से बाइंड ऑफ करते हो तो डबल पॉइंटेड नीडल आप लीजिएगा। अब इन सारे स्टिचेस को हम राइट साइड स्लाइड कर लेंगे, घुमाएंगे नहीं, जस्ट ये सारे यहाँ से स्टिचेस को इस एंड पे लेके आएंगे और ये जो ब्लैक थ्रेड है हम इसको कट कर लेंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको कट कर लिया। अब यहाँ से हमें किचनर स्टिच स्टार्ट करना है और हमेशा किचनर स्टिच या ट्यूबुलर बाइंड ऑफ जब करते हो या सुई से बंद करते हो तो जितना आपका प्रोजेक्ट का लेंथ है इतना लेंथ है तो इसके चार गुना आपको थ्रेड चाहिए। अगर बीच में आपको बंद करते टाइम थ्रेड कम पड़ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए आप इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4 एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको थ्रेड ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी लंबा थ्रेड आप कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट कर लिया है एंड यहाँ पे हम थ्रेड कर लेंगे, इसको सुई में डाल लेंगे। इस किचनर स्टिच में आपको जस्ट आपको 4 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिपीटेडली देखिए आपको मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टिच यहाँ पे हमें ये सीधी बुनाई दिख रही है और ये सारे उल्टी बुनाई है। फर्स्ट हमें दिख रहा है जो सीधी बुनाई, तो वो हमें सीधी जो बुनाई है उसको हमें फर्स्ट लॉक करना है। इसको लॉक करने के लिए इसको अगर हम सीधी बुनाई डालेंगे तो नहीं चलेगा, इसको हम उल्टी बुनाई जब पर्ल वाइज डाल के इस तरह से पर्ल वाइज इसको थ्रेड करेंगे, पर्ल वाइज इसको बुन लेंगे और इसको ड्रॉप कर लेंगे तो ये नॉट पड़ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉक हो गया है, फर्स्ट स्टिच ये सिक्योर हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है, ये ध्यान से देना है। अभी फोर्थ जो हमारे ये फर्स्ट पॉइंट होने के बाद जो 4 स्टेप है वही आपको एंड लास्ट एक स्टिच बचने तक आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो नेक्स्ट ये हमें पर्ल स्टिच नज़र आ रहा है एंड यहाँ जो आपको लूप नज़र आ रहा है ये इस स्टिच का लूप है। ये हर एक जो वी नज़र आ रहे हैं आपको, ये फर्स्ट वाला एक रो है, ये सेकेंड वी का स्टिच है। तो इस तरह से आपको हर एक स्टिच के नीचे ये लेग नज़र आते हैं आपको, ये राइट एंड लेफ्ट लेग, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट जब स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये जो पर्ल स्टिच है इसको हम सीधी तरह नीट वाइज डालेंगे। ये 1 इसके अंदर डालेंगे, 1 इसको उतारेंगे नहीं हम अभी, ये 1 स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें डालेंगे और ये नेक्स्ट इसको पर्ल वाइज इस तरह से, ये हमने फर्स्ट स्टेप इधर से डाला था नीट वाइज, ये 1 स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 यहाँ से पिछला वाला और ये वाला स्टिच नेक्स्ट वाला इसके पर्ल वाइज डालेंगे, ये स्टेप 2 हो गया है, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 होने के बाद स्टेप 2 दोनों में पर्ल वाइज डाले, स्टेप 3 अगेन जो पर्ल स्टिच है यहाँ पे इसको भी हम पर्ल वाइज डालेंगे, स्टेप 3 ये है। स्टेप 3 मैं पर्पजली आपको स्लोली दिखा रही हूँ, स्टेप 3। स्टेप 4 में हम इन दोनों स्टिचेस को उतार लेंगे क्योंकि ये लॉक हो गए हैं। अब अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लूप क्रिएट है, अगेन फर्स्ट स्टेप, अगेन फर्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट नीट वाइज या पर्ल स्टिच में हम नीट वाइज डालेंगे, फर्स्ट 1। अब मैं 1, 2, 3 बोलते जाऊँगी, आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। ये 1 हम नीट वाइज यहाँ पे डाल दिया, ये 2 स्टेप 2, स्टेप अगेन 3 पर्ल वाइज, 2 टाइम हम पर्ल वाइज डाल रहे हैं,
स्टेप थ्री, स्टेप फोर स्लाइड ड्रॉप, हर टाइम आपको ये नज़र आता जाएगा। आप देख सकते हो अगेन हमें स्टेप वन से फॉलो करना है, वन वन नेक्स्ट टू टू थ्री स्टेप थ्री, यहाँ पे अगेन पर्ल वाइज हम पर्ल स्टिच में डाल रहे हैं, स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर स्लाइड ऑफ बोथ स्टिचेस। अगेन आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट अगेन पर्ल स्टिच है, वन 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 ये टू टू थ्री फोर अगेन वन टू थ्री फोर अगेन पर्ल स्टिच है तो नीट वाइज वन वन ये टू स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप थ्री स्टेप फोर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसी तरह से ये जो लाइन जा रहा है कंटिन्यूअस ये लाइन आपको दिखता जाएगा। अगेन पर्पजली आपको मैं स्लो दिखा रही हूँ, ये वन टू थ्री फोर। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, एक बार हमने सीधी बुनाई की पर्ल स्टिच में, फिर दो बार हमें पर्ल वाइज डाला, एक बार दोनों स्टिचेस में से, ये सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप अगेन पर्ल वाइज डाला, फोर्थ स्टेप फंदों को उतार लिया दोनों फंदों को, ये ऑटोमेटिकली आपको ये लूप दिखता जाएगा। अगेन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अगेन वन टू टू थ्री फोर। अगर आप ऊपर ऊपर देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, वन टू थ्री फोर अगेन
लास्ट स्टिचेस तरफ आ रहे हैं हम, वन टू थ्री फोर, अगेन वन नीट वाइज, टू दोनों की तरफ पर्ल वाइज, थ्री अगेन यहाँ पे पर्ल वाइज, फोर। अब आपको यहाँ पे ये पर्ल स्टिच पे एंड हुआ है हमारा स्टिच। अब यहाँ पे ये जो निट स्टिच है इसमें हम निट वाइज डालेंगे पर, यहाँ पे इस तरह से सुई डालेंगे लास्ट लूप के अंदर, और ये जो पर्ल स्टिच पे मेरा एंड हुआ है तो पर्ल स्टिच को मैं इस तरह से निट वाइज डाल लूँगी और फिर इसको एक बार इस तरह से पर्ल से डालूँगी, अगेन यहाँ पे पर्ल वाइज और यहाँ पे भी पर्ल वाइज डाल के ये लॉक हो गया है। अब ये जो एंड स्लिप है इसको भी मैं टक कर लूँगी और इसको भी टक कर लूँगी। तो अगर आपको सेफ्टी के लिए और एक बार ये जो निट स्टिच है इसके अंदर से आप थ्रेड लगा दीजिए, और ये देखिए ग्राफ्टिंग या इनविजिबल कास्ट ऑन या फाइन फिनिशिंग ट्यूबुलर कास्ट सॉरी बाइंड ऑफ, इनविजिबल बाइंड ऑफ, ट्यूबुलर बाइंड ऑफ या किचनर से बाइंड ऑफ सिंगल लाइन में किस तरह से हो सकता है। बाद में आप इन दोनों को इन अंदर ही आप इनबिल्ट सुई से आप बंद कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कितने फाइन फिनिशिंग के साथ ये आया हुआ है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो स्टिच है ये जो लाइन है कंटिन्यूस दिखेगा आपको, ये जो कंटिन्यूस दिखेगा। इस तरह से आप पीसेस बना के फेस स्क्रबर या बेबीज़ के लिए बॉडी स्क्रबर जैसे आप यूज़ कर सकते हो फेस मसाजिंग के लिए वगैरह, बहुत ही सुंदर सा ये वर्क है। यहाँ पे हमने इनविजिबल कास्ट ऑन किया था और यहाँ पे इनविजिबल बाइंड ऑफ किया था, एंड पिछले जो मैंने डबल दोनों फंदों को सेपरेट करके मैंने इसमें किया है और इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेथड सेम है, वे ऑफ मेकिंग थोड़ा सा अलग है। एंड आप जो भी दोनों भी वीडियोस देखिए, आपको कौन सा पसंद आता है वो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अपने प्रोजेक्ट में ये ज़रूर ट्राई कीजिए बाइंड ऑफ। आप देख सकते हो कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये सेपरेट करके किया हुआ बाइंड ऑफ है एंड ये एक ही नीडल में बाइंड ऑफ करना है, दोनों मेथड में आपको दिखाया है, तो आप ज़रूर चेक करना ना भूलिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल पे टिपिकल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, एक बार प्लेलिस्ट चेक करना नहीं भूलिएगा, शायद आपको कोई भी वीडियो पसंद आ जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोस, एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।